हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। बारिशों का मौसम है और बारिश में चाय के साथ पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम एक ऐसा स्नैक लेके आए हैं जो पकोड़ों का मज़ा भी देगा, कुरकुरे भी बनेंगे और बहुत ही चीज़ी भी बनेंगे। बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं पोटैटो चीज़ डोनेट्स की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके ज़्यादातर इन्ग्रीडियंट आपके घर में ही मिल जाएंगे। अब हमने चार आलू ले लिए, इनको बॉयल कर लिए, उसको हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से आपका मिक्सचर जो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। और अगर आप इसको मैश करते हैं तो आप ध्यान रखें कि मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी आलू का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम ग्रेट करते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है, और चावल का आटा, इससे क्रिस्प हो जाता है ये। और उसके बाद डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, बेसिक मसाले ही हम डालेंगे, अमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको मिक्सचर पतला लगे तो आप कॉर्नफ्लोर एक टेबलस्पून और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन डो आपका पूरा परफेक्ट बनना चाहिए। ये हमने प्रोसेस चीज़ लिया, उसके पीसेज हमने कर लिए, ये पतले पतले स्लाइसेस हमने कर लिए हैं उसके। अब ये हम ऑयल करेंगे, ग्रीस करेंगे अपने हैंड को, और फिर उसके बाद मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर लेके अब उसको जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे ही आपने करना है, ये बहुत इजी तरीका है इसको करने का। अब इसको फैला दिया हमने, फैलाने के बाद हम इसमें जो हमने चीज़ कट करे हैं ना स्लाइसेस, वो हम इसमें लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पीसेस हम लगा देंगे इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी चीज़ लगा सकते हैं और लगाना चाहें। अब इसको हम ऐसे रोल करेंगे, इसको अच्छे से रोल करके हमने इसको पूरा बंद कर देना ताकि इसमें से चीज़ निकले नहीं। तो इसको अगर आपका डो अच्छा होगा तभी आपका ऐसे बन पाएगा। अब इसको हम गोल कर देंगे, इसको रोल करने के बाद इसको मिलाएंगे, और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे हम आप इसकी शेप ठीक कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे बराबर से। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे ताकि इसकी प्रॉपर शेप हो जाए, डोनट की शेप बन जाए। ये कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इसको हमने थोड़ा क्रश कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से इस पर लगा देंगे ताकि ये और भी क्रिस्पी बने। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, बट कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके अंदर, बहुत कुरकुरे बनते हैं इससे। अब ये हमने लगा दिए, इसको हम प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, हम डो लेंगे, उसको रोल करेंगे, उसके अंदर अब हम चीज़ के पीसेस लगाएंगे। उसके अंदर चीज़ के पीसेस लगाने के बाद जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप चावल का आटा भी घर पे बना सकते हैं। चावल को आप पीस लीजिए और चावल का आटा आपका तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको रोल करेंगे, रोल करने के बाद हम इसकी शेप बनाएंगे। शेप आप छोटे बड़े आप जैसे चाहें वैसे डोनट्स की शेप बना सकते हैं, बट मैं मीडियम साइज़ का ही डोनट बना रही हूँ, जैसा नॉर्मली होता है। ये बहुत ही बढ़िया बनता है। और इसको हम ऐसे ही कॉर्नफ्लेक्स में रोल कर लेके और इसको ऐसे ही रख लेंगे। पहले हम सारे डोनट्स तैयार कर लेंगे। ये हमने सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब तेल को अच्छा गर्म करके उसमें इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करना है हमने इसको, आराम से इसको धीरे से हिला के और अच्छे से पलट के इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसको निकाल लेंगे। ऐसे हम और भी डोनट्स जो हैं उसको फ्राई कर लेंगे। इसको भी हम ऐसे ही क्रिस्पी निकाल लेंगे। आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि कैसे बढ़िया लग रहे हैं ये, बहुत ही कुरकुरे बने हुए हैं। देखिए आप पीस देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कितना कुरकुरा लग रहा है, बहुत ही कुरकुरा बना है। और देखिए कट करके भी देखिए आप इसमें से कितना अच्छा चीज़ दिख रहा है हमें। ये देखिए चीज़ कितना बढ़िया लग रहा है। डोनट्स बनकर तैयार है। हमने इसको मेयोनीज और तंदूरी सॉस से डेकोरेट किया। आप ऐसे डेकोरेट करके इसको प्लेटिंग कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।